हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भरवा करेले की रेसिपी। और भरवा करेले बनाना वैसे तो बहुत आसान है, पर इनको बनाते टाइम बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की भरवा करेले की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम करेले, लिए हैं हमने यहाँ पर आधी किलो करेले लिए हैं हमने यहाँ पर। इनको हम काट लेंगे पहले, इनको दोनों साइड से हमें जो इनके किनारे होते हैं इनको पहले काट लेना है, और जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है हमें चाकू से इस तरीके से हमें ऊपर का हिस्सा इसका उतार लेना है। और ये जो हमारा करेले हैं इनका ऊपर का हिस्सा हमें अच्छे से साफ़ करना है, ताकि हमारे जो करेले हैं कड़वे ना लगें। तो इसलिए आप इसको अच्छे से उतार लें, और उतारने से हमारे जो करेले हैं वो अच्छे भी लगते हैं खाने में और टेस्टी भी लगते हैं। सारे करेले हमने काट लिए हैं और इनका ऊपर का हिस्सा हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा निकला है, करेले के छिलका निकला है, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। और बस हमें करेले, भरवा करेले बनाने के लिए हम बस इनके बीज का ही यूज़ करेंगे। और बहुत से करेलों में बिल्कुल कच्चे बीज होते हैं, तो आप उनको ऐसे ही पीस सकते हैं, पर बहुत से करेले ऐसे होते हैं कि उनमें बीज थोड़ा सा मोटा होता है तो वो पीसता नहीं है। तो आप इनका वाइट जो हिस्सा होता है वो निकाल लें और वो ही यूज़ करें। तो इस तरीके से आप करेले में चीरा लगा लें चाकू से, बीज का हिस्सा बीज की तरफ से इसको काट लें, और इसके अंदर का हिस्सा जो बीज वाइट जो बीज होते हैं इसके, वो निकाल कर सारे करेले के इस तरीके से आप काट कर रख लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे करेले के जो बीज हैं इस तरीके से निकाल लेने हैं हमें। और ये तरीका तो सबको आता ही होगा, क्योंकि ये तरीका बहुत आसान है और इसको बनाना भी आसान है वैसे तो। बस इसको अलग अलग तरीके से लोग बाग बनाते हैं, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। तो ये देखिए, हमारे सारे करेले के हमने बीज निकाल लिए हैं। ये जो हमने बीज निकाले हैं करेले के, इनको हम यूज़ करेंगे। इनका जो वाइट जो हिस्सा होता है बीज का, इनको हम निकाल लेंगे। और बीज थोड़े से मोटे हैं, पके हुए बीज हैं, तो उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चे भी खा लेते हैं तो उनके मुंह में आते हैं। तो हम इसका बस वाइट जो हिस्सा होता है वो ही डालेंगे, इसको हम पीस लेंगे मसाले के साथ ही। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें निकाल लेने हैं, इसका वाइट जो हिस्सा होता है इस तरीके से निकाल लेना है। तो आप सारे जितने भी हमारे बीज हैं तो उसका इस तरीके से वाइट जो बीज का हिस्सा है वो निकाल लें। ये जो हमारे करेले हैं इनके अंदर डालना है अब हमें नमक, ताकि इनका जो कड़वापन होता है वो निकल जाए। तो एक चम्मच हमने लिया है नमक, और सारे जितने भी हमारे करेले हैं इनके ऊपर हम नमक डाल देंगे। आधा घंटे के लिए इनको रखेंगे धूप में। धूप में रखने से जो हमारा करेले का कड़वापन होता है वो निकल जाता है, और करेले बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और कड़वे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो आप इसको चारों तरफ से नमक लगा दें और धूप में रख दें। आधा घंटा हो गया है, हमने धूप में से उठा लिए हैं करेले, और ये सारा सामान भी तैयार कर लिया है करेलों के लिए। एक आधी कटोरी हमने ले लिया है लहसुन, और ये जो वाइट हिस्सा था बीज का वो भी ले लिया है, एक कटोरी हो गया है ये भी। और यहाँ पर लिया है हमने करेलों का मसाला आधी चम्मच, हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सारा सामान लिया है। मेथी ली है और आधी चम्मच, जीरा लिया है, सौंफ ली है और आधी चम्मच ली है राई। ये करेलों का मसाला लिया है हमने, इनको हम पीस लेंगे। और चार टमाटर लिए हैं, अगर आपके पास कच्ची आम भी हो, कच्चा आम जिसे बोलते हैं वो हो, तो आप टमाटर का यूज़ ना करें। तो 8-10 हमने हरी मिर्च ली, और 8-10 लिए हमने प्याज ली हैं छोटे साइज की। इन सबको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं, आप चाहें तो मिक्सर के जार से भी पीस सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इन सबको हम पीस लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर मसाला पीस लिया है अपना, प्याज और लहसुन और मसाला करेले का जो था हमारा एक साथ पीसा है, करेले के बीज भी इसके साथ ही पीस लिए हैं, टमाटर और हरी मिर्च एक साथ पीसा है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी लिया है हमने, इसके अंदर हमें करेलों को थोड़ा सा उबालना है 5 मिनट के लिए, जिससे हमारे करेले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें इनको फ्राई करने के टाइम पर। तो इसलिए थोड़ा सा इनको उबाल लेंगे, और ये कड़वे भी बहुत कम लगेंगे खाने में, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो 5 मिनट के लिए आप पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें और इसको उबालने के लिए रख दें। ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, बस 5 मिनट के लिए ही उबालना है इन्हें हमें। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इन्हें उबालेंगे तो ये टूट जाएंगे इनको फ्राई करते टाइम, तो बस 5 मिनट के लिए ही इनको उबालें। तो सबसे खास बात करेले की यही है, तो आप इनको थोड़ा सा उबाल लें।
अब लेनी है हमें फिर से कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर डालेंगे हम आधी कटोरी हमने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और करेले हमने साइड वाली गैस पे रख दिए हैं उबलने के लिए और इस तेल को थोड़ा सा करेंगे गरम। तेल हमारा हो गया है गरम, अब इसके अंदर डालेंगे ये पेस्ट लहसुन प्याज जो भी हमने इसके अंदर मसाला पीसा हुआ है, ये जो हमारा पेस्ट है इसको हम भून लेंगे 5 मिनट के लिए। और ये जो हमारा पेस्ट है लहसुन प्याज और मसाले का, इसको अच्छे से भूनना है हमें 5 मिनट के लिए। अगर आपका ये पेस्ट अच्छे से नहीं भुनेगा तो हमारा जो करेले हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे, थोड़ी सी स्मेल आएगी अगर ये कच्चा रह जाएगा तो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा लहसुन प्याज का पेस्ट है इसको अच्छे से भून लें, गैस को मीडियम पे रखें, तेज़ गैस पे आप इसको ना भूनें तो ये कढ़ाई में लग जाएगा, नहीं तो इसको आप मीडियम आँच पर 5 मिनट के लिए भून लें। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारा पेस्ट अच्छे से भुन चुका है, इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। अब डालने हैं हम इसके अंदर मसाले, सूखे मसाले डालेंगे और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे टमाटर का पेस्ट, इसको डाल देंगे इसके अंदर, गैस को मीडियम पे ही रखना है। अब डालेंगे सूखे मसाले, आधी चम्मच डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे नमक। और ये जो हमारे मसाले हैं इनको भी हमें भून लेना है 5 मिनट के लिए, ये पेस्ट हमारा अच्छे से भूनेगा तो अभी हमारे करेले अच्छे से लगेंगे। करेले भी हमारे उबल चुके हैं, 5 मिनट हो गई है, अब इनको निकाल लेंगे कढ़ाई के अंदर से और ठंडा होने देंगे, तब तक हमारा जो करेलों का मसाला है वो भी भून के तैयार हो जाएगा। तो सारे करेले हम निकाल लें कढ़ाई के अंदर से, एक एक करके निकाल लेंगे और इनको रख देंगे साइड में। ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, इसको उतार लेंगे, गैस को कर देंगे बंद, इसको हम निकाल लेंगे और रख देंगे ठंडा होने के लिए। करेले भी ठंडे हो जाएंगे तब तक हमारे, और ये मसाला भी ठंडा हो जाएगा तो हमें भरने में आसानी रहेगी। तो सारा मसाला हम निकाल लें कढ़ाई के अंदर से। तो देखिए दोनों चीज़ हमारी तैयार हो गई है और करेले भी ठंडे हो गए हैं, मसाला भी ठंडा हो गया है। अब ये जो हमारा बीच का हिस्सा है करेलों का, इसके अंदर हमें डालने हैं मसाला और एक एक चम्मच जितना भी आपको डालना है, वैसे तो 1 चम्मच काफ़ी होता है और बाकी का जो है आप एक्स्ट्रा निकाल लें और एक एक चम्मच आप इसको भर लें। सारे करेले हमें इस तरीके से भर लेने हैं और इस तरीके से हम जो करेले बना रहे हैं बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा खाने में और ये बच्चे भी इनको खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सारे करेले भर लिए हैं। अब लिया है हमने एक धागा लिया है, सिलाई करने वाला आप धागा ले लें, आप चाहें तो कोई भी धागा ले सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और इसको हम करेले के ऊपर राउंड कर देंगे ताकि जो हमारा करेलों का मसाला है वो बाहर ना निकले इनको फ्राई करते टाइम। अगर आप इसको ऐसे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, पर थोड़ा सा आप इसको ऐसे राउंड कर लेंगे तो ये जो मसाला है इसी के अंदर रहेगा करेलों के अंदर, बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। तो सारे जितने भी हमारे करेले हैं उनके अंदर आप इस तरीके से लपेट लें धागा, तो इस तरीके से हमें लपेटना है धागा करेलों के अंदर। तो सारे करेले हमने तैयार कर लिए हैं, धागा लपेट लिया है सब पर, अब बस थोड़ा सा काम रह रहा है इसके अंदर, बस इनको करना है फ्राई। अब फिर से लेंगे कढ़ाई और हमने लिया है आधी कटोरी यहाँ पर लिया है सरसों का तेल और इसको हम करेंगे फिर से गरम। और थोड़ा सा करेलों में तेल ज़्यादा लगता है तो आप वैसे तो अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है तेल का हिसाब। तो अब तेल हमारा गरम हो गया है, एक एक करेले हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको बस 5 से 10 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। सारे करेले हमने डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर, अब इसको एक तरफ से सिकने के बाद हमें पलटना है। पहले आप एक तरफ से सिकने दें इसको, फिर 5 मिनट बाद आप इसको पलट दें। तो देखिए 5 मिनट हो गई है, एक तरफ से हमारे करेले सिक चुके हैं, अब इसको आप पलट दें। सारे करेले जितने भी हमारे हैं आप एक एक करके इसको पलट दें, इससे हमारे जो करेले हैं दोनों तरफ से सिक जाएंगे तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। और बीच बीच में आप इनको देखते रहें क्योंकि गैस को मीडियम पर रखने के बाद भी थोड़े से करेले हैं लग जाते हैं कढ़ाई के अंदर, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आप इनको पलटते रहें बीच बीच में और उबालने के बाद इसको बस 10 मिनट के लिए ही पकाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे करेले बनके तैयार हो गए हैं, गैस को बंद कर देंगे, इनको सर्व कर लेते हैं। भरवा करेले बनकर तैयार हैं हमारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।